तालिबानियों द्वारा पीएम मोदी को धमकी दिए जाने का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक ट्विटर यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि तालिबानी पीएम मोदी को युद्ध की धमकी देते हुए कह रहे हैं कि कश्मीर अफगानिस्तान का हिस्सा है और पश्तूनियों से ताल्लुक रखता है। कश्मीर तो छोटा सा टुकड़ा है, हमने अफगानिस्तान को पटा दिया और मैं मोदी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 20 साल के जंग की तहरीर किए है तो हम मुसलमान हैं, हमने 100 साल की जंग की तहरीर की है। खुद को बीजेपी यूपी की सोशल मीडिया हेड बताने वाली ऋचा राजपूत ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लो भाई धमकी भी आ गई तालिबान से। इसके अलावा भी ये वीडियो हाल का ही बताकर सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया है। ऑल्ट न्यूज ने योनडेक्स पर इस वीडियो के फ्रेम्स का रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें मालूम चला कि 2019 से ये वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। अगस्त 2019 में यूट्यूब पर कई यूजर्स ने इसे अपलोड किया था। इसे अपलोड करते हुए लिखा गया था कि अफगान मुजाहिदीन भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ हैं। कई यूजर्स ने फेसबुक पर भी ये वीडियो 2019 में शेयर किया था। सिटी मोबाइल कम्युनिकेशन नाम के पेज ने यह वीडियो 27 फरवरी 2019 को अपलोड किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी जनरल जावेद बाजवा के एक फैन पेज ने यह वीडियो 21 फरवरी 2019 को अपलोड किया था। ऑल्ट न्यूज इस वीडियो के बारे में कोई मीडिया रिपोर्ट ढूंढने में नाकाम रहा और वीडियो में दिख रहे शख्स के बारे में भी पता नहीं लगा पाया, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि यह वीडियो हाल का नहीं है। 2 साल से ज्यादा पुराना वीडियो अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद भारत को धमकी दिए जाने के दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।